नमस्कार दोस्तों, आज मैं YouTube चैनल PCM Concept मोटिवेशनल टॉक में जिस महान हस्ती के साथ आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ, वो आपके कोविड वैक्सीनेशन के जो बेस रहे हैं पिछले 2 साल में। अगर आपने कोविड का वैक्सीनेशन हरियाणा में लिया है, दिल्ली में लिया है, या अपने पंजाब के जो लोग हरियाणा में आते हैं उन्होंने लिया है, हरियाणा में वैक्सीन लिया है, तो कहीं ना कहीं वो इसके जिम्मेदार ज़रूर रहे हैं। मेरी मुराद है डॉक्टर वीरेंद्र अलावत। डॉक्टर अलावत, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। डॉक्टर अलावत को मैं बताना चाहूँगा, हमारे NHM के जो रूटीन इम्यूनाइजेशन जो हम मॉनिटर करते हैं, जो बच्चों को 5 साल तक टीके दिए जाते हैं, उसके इंचार्ज हैं। डॉक्टर अलावत कोविड वैक्सीनेशन के इंचार्ज रहे हैं। पिछले 2 साल में इन्होंने कोविड वैक्सीनेशन को 0 से लेके हमारा 100% वैक्सीनेशन हो चुका है। फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज भी लगभग 90% हो चुका है, तो ये उसके भी इंचार्ज हैं। और तीसरा, ये अनीमिया देखते हैं, हरियाणा में जो अनीमिया की सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब सिचुएशन है, तो उसके बारे में, अनीमिया के बारे में ये नोडल ऑफिसर हैं, किस प्रकार से इनकी मॉनिटरिंग रहती है उसके बारे में जानेंगे। इनके पर्सनल जो इनकी क्वालिफिकेशन है, कहाँ से इन्होंने अपना MBBS किया है और उसके बाद पढ़ाई क्या करी है, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर अलावत, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले आप हमें अपनी क्वालिफिकेशन बताएं, आपने MBBS कहाँ से किया और आप NHM तक कैसे पहुँचे? सर, मैंने MBBS PGIMS रोहतक से किया और उसके बाद सर मैंने दिल्ली में जूनियर रेजिडेंसी की 2 साल के लिए। उसके बाद सर मैंने फेलोशिप की TB में RBTB हॉस्पिटल से, और उसके बाद HCMS में मैंने ज्वाइन किया। 1998 से आप HCMS में कार्यरत हैं, क्या आप हरियाणा से ही बिलोंग करते हैं? हाँ सर, ओरिजिनली मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मेरी स्कूलिंग सर बरेली UP की हुई है। मेरे फादर पहले आर्मी में थे, फिर हम फादर भी सेटल हो, स्कूलिंग वहीं रही है। डॉक्टर अलावत, आप स्टेट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर, आपका जो यहाँ पे काम है स्टेट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर का आपका डेजिग्नेशन है, तो आप स्टेट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर के तौर पे आप क्या क्या चीज़ें देखते हैं? सर, स्टेट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर के तौर पे सर जो प्लानिंग से लेके इम्प्लीमेंटेशन तक और उसका जो आउटकम है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। कि सर यही हमारा सिर्फ जो प्रोग्राम है इम्यूनाइजेशन का, ये इंडिया का सबसे, मतलब कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोग्राम है जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है। इसमें सर हम सिर्फ हरियाणा के अंदर ही हम करीब 6 लाख बच्चे, हमारे 1 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो हमारे बेनिफिशरीज हैं, और सिर्फ 1 साल तक के ही 6 लाख बच्चे बेनिफिशरीज हैं। सर हम करीब करीब 2.5 लाख सेशन सर हम साल में लगाते हैं इम्यूनाइजेशन सेशंस, जिसमें हम प्रेगनेंट वुमेन को और बच्चों को हम वैक्सीनेट करते हैं। सर ये इस प्रोग्राम के तहत जो कि एक सिरिंजिस से लेके वैक्सीन तक एक एक बच्चे तक सर हम लोग पहुंचाते हैं स्टेट के थ्रू। तो डॉक्टर अलावत, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप जब बच्चा पैदा होता है BCG के इंजेक्शन से लेके 5 साल तक उसको कौन कौन से इंजेक्शन लगवाने होते हैं पेरेंट्स ने, उसके बारे में बताएं, और ये भी बताएं प्रेग्नेंट लेडी को कौन से इंजेक्शन लगने होते हैं। सर जैसे ही बच्चा जन्म लेता है वो हमारा बेनिफिशियरी ऑटोमेटिकली बन जाता है, और जन्म पे ही हम उसे 3 टीके लगाते हैं। एक तो BCG का जो TB से बचाता है, हेपेटाइटिस बी का जो TB आता है, और ओरल पोलियो जो कि पोलियो की बीमारी से बचाता है। सर ये 3 टीके हमारे जैसे ही बच्चा पैदा होता है 24 घंटे के अंदर उसे लगाए जाने चाहिए, और ये लगवाए जाते हैं। सर प्रेगनेंट वुमेन को सर TD वैक्सीनेशन लगाया जाता है। अगर कोई प्रेगनेंट वुमेन अगर विदिन 2 ईयर्स अगर प्रेग्नेंट हो जाती है दोबारा, तो उसको 1 टीका लगता है, अदरवाइज 1 मंथ अपार्ट 4 हफ्ते के बीच में उसको 2 टीके लगाए जाते हैं प्रेगनेंसी TD के। डॉक्टर लावत, आप तफसील से बताएं 5 साल तक बच्चे को कौन कौन से टीके लगते हैं, उनकी ड्यूरेशन कैसी रहती है, क्योंकि हमारे लोगों में मैंने ये देखा है NHM में कि ड्रॉप आउट रेट काफ़ी ज़्यादा है, तो कई लोग जब दिल आए बच्चों को टीका लगवाना बंद कर देते हैं, और उसके कारण उनके बच्चों को जो पूरी सेफ्टी है वो नहीं मिल पाती है, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। सर हम 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ हैं उसके अगेंस्ट हम टीकाकरण करते हैं 5 साल तक के बच्चों का, बल्कि हम 16 साल तक के बच्चों को कवर करते हैं, 10 साल और 16 साल के बच्चों को भी हम TD वैक्सीन लगाते हैं। अगर हम जन्म से शुरू करें तो जन्म के टाइम पे हम उसे 3 टीके लगाते हैं जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद में सर 6 हफ्ते पे हमारा टीकाकरण शुरू होता है जो बच्चे को लेके आते हैं। उसमें सर हम पेंटा का टीका लगेगा, उसमें ओरल पोलियो भी उसे पिलाया जाएगा, उसमें आपको रोटा वायरस की ड्रॉप्स भी पिलाई जाएंगी, इंजेक्टेबल पोलियो भी दिया जाएगा, और उसके साथ साथ उसको निमोनिया से बचाने के लिए PCV का टीका भी लगाया जाएगा। फिर सर उसके बाद वो 10 हफ्ते में आएगा बच्चा दोबारा से,
तो उसमें हम उसको पेंटा लगाते हैं, ओरल पोलियो लगाते हैं और हम उसको रोटा वायरस की ड्रॉप्स पिलाते हैं। फिर आएगा 3.5 महीने पे बच्चा, तो उसको सर पेंटा और ओपीवी और इसके अलावा इंजेक्टेबल पोलियो, पीसीवी और रोटा वायरस की ड्रॉप पिलाई जाती है। फिर करीब 1 साल से पहले, 9 महीने से 1 साल के बीच में, हम उसको MR1 का टीका लगाएंगे, पीसीवी की बूस्टर डोज लगाएंगे और वाइटामिन का सिरप। 1 साल तक का ये वैक्सीनेशन, जी, और उसके बाद 1 साल से 2 साल और फिर 2 से 5। 1 से 2 के बीच में सर इसको, जब 1 साल तक का बच्चा ये टीके पूरे कर लेता है तो हम उसे फुली इम्यूनाइज कहते हैं। जी और उसके बाद अगर 2 साल तक का अगर वो शेड्यूल पूरा करते हैं, उसे कम्प्लीटली इम्यूनाइज कहते हैं। उसके अंदर हम DPT बूस्टर 1 डोज लगाएंगे सर, और MR1 का, MR2 का दूसरा टीका लगेगा, जिसमें MR2 कहते हैं, MR का टीका लगेगा और पोलियो ड्रॉप्स, ये 3 चीज़ें हम दे देते हैं तो बच्चा कम्प्लीटली इम्यूनाइज कहलाता है। फिर सीधा सर 5 साल में हम उसको DPT बूस्टर 2 डोज लगेगी और OPV बूस्टर। जी, तो दोस्तों जैसा डॉक्टर वीरेंद्र रावत ने बताया कि जो हमारे देश में जितना टीकाकरण किया जा रहा है, सबसे बड़ा प्रोग्राम है पूरे विश्व का, और हरियाणा में इन्होंने कितने बच्चों को टीका लगाना होता है हर साल, इसकी फिगर उन्होंने बताई। तो मैं सबसे आग्रह करूंगा कोई भी टीकाकरण आप मिस ना करें, हर एक टीका बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर रावत, आप पोलियो के बारे में बताएं, बच्चन साहब बार बार कहते हैं 2 बूंद जिंदगी की, तो क्या हम पोलियो को अभी इलिमिनेट नहीं कर पाए हैं, या हमारे नेबरिंग कंट्रीज पाकिस्तान अफगानिस्तान में अभी भी है, उसके कारण हमें सचेत रहना पड़ता है? आप थोड़ा सा ये बताएं। सर पोलियो एलिमिनेशन की तरफ है और एलिमिनेट हो चुका है हरियाणा से और बल्कि पूरे भारत से। हरियाणा में आखिरी केस सर 2011 में आया था, उसके बाद से कोई केस नहीं आया है। लेकिन हम फिर भी पोलियो का जो टीकाकरण है, जो करते हैं, ड्रॉप पिलाते हैं, वो हम पिलाए जा रहे हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि पूरा विश्व अभी पोलियो मुक्त नहीं हुआ है। हमारे पड़ोसी जो देश हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान, वो अभी भी एंडेमिक हैं और इसके चलते पोलियो लौट के भी आ सकता है। क्योंकि मलावी में अभी केस देखने को आया, 10 साल के बाद उनके पास नया पोलियो वाइल्ड वायरस का केस सामने आए हैं। तो इसको देखते हुए कि जब तक पूरे विश्व में पोलियो नहीं खत्म हो जाता, तब तक खतरा टला नहीं है, हमें सचेत रहना चाहिए। जी डॉक्टर अहलावत, आप रूटीन इम्यूनाइजेशन कैसे मॉनिटर करते हैं? डिस्ट्रिक्ट में आपके जो, जैसे आप स्टेट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट में काउंटर पार्ट कौन होते हैं, आप कैसे उनसे फीडबैक लेते हैं, या आप खुद भी डिस्ट्रिक्ट विजिट करते हैं? सर ये सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कोई भी प्रोग्राम चलाने के लिए, और वैक्सीनेशन के लिए, इम्यूनाइजेशन के लिए हर जिले में एक डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर है, जो डिप्टी सिविल सर्जन रैंक का ऑफिसर होता है। उसकी जिम्मेदारी होती है जिले का चलाना। और सर यहाँ से टाइम टू टाइम स्टेट से जो भी डायरेक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आते हैं, जो हमें ज़रूरी लगता है स्टेट की तरफ से जाने चाहिए, हम सिविल सर्जन के थ्रू DIO को डायरेक्ट भी और सिविल सर्जन के थ्रू हम उनको सारी की सारी इंफॉर्मेशन या और जो भी डायरेक्शंस होते हैं या नई SOPs आती हैं उनको भेज देते हैं। वो फर्दर अपने जो PSCs हैं, कोल्ड चेन पॉइंट्स पे वहाँ पर कर देते हैं। दूसरी बात है सर सप्लाई चेन की, सप्लाई चेन भी हम सेंट्रली यहाँ से मॉनिटर करते हैं। उनकी रिक्वायरमेंट आती है और जैसे उनका कंज्यूमशन बेस्ड जितने भी सप्लाई उनके पास है और उनके पास कितना स्टॉक है, अकॉर्डिंगली हम यहाँ से एलोकेशन बनाते हैं और उनको भेजते हैं। हर जिले के पास रेफ्रिजरेटेड वैन्स हैं और इंसुलेटेड वैन्स हैं, वो अपनी सप्लाई कुरुक्षेत्र हमारे स्टोर से, स्टेट स्टोर से ले जाते हैं रीजन स्टोर में, रीजन से फिर वो डिस्ट्रिक्ट्स में चला जाता है और डिस्ट्रिक्ट से फिर सर सारे के सारे कोल्ड चेन पॉइंट्स पे ये चला जाएगा। तो आपका ई विन का जो सॉफ्टवेयर है, जो UNDP के साथ साथ आप संचालित करते हैं, ई विन के सॉफ्टवेयर के बारे में बताएं, क्योंकि कोविड के दौरान भी आपने कोविड वैक्सीनेशन के लिए इस सॉफ्टवेयर को काफ़ी यूज़ किया है। हाँ सर, UNDP की मदद से ये सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ था और कोविन का, उससे पहले इविन का सॉफ्टवेयर चल रहा था जिसमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट था। उसमें सर इसकी खासियत ये थी कि कहीं भी बैठे हो आप, क्योंकि उसमें टेम्परेचर लॉगर्स लगे हुए हैं और ऑनलाइन एंट्रीज होती हैं कि मेरा वैक्सीन कहाँ है, किस क्वांटिटी में है और किस टेम्परेचर पे स्टोर्ड है, हम यहाँ से भी मॉनिटर कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोई भी अगर टेम्परेचर ब्रीच होता है तो मैसेज ऑटोमेटिकली कि कोल्ड चेन हैंडलर के पास चला जाएगा, और कोल्ड चेन हैंडलर अगर आधे घंटे तक रेस्पॉन्ड नहीं करता है तो DIO के पास, और 2 घंटे तक अगर DIO रेस्पॉन्ड नहीं करता है तो स्टेट पे हमारे पास मैसेज आ जाता है कि टेम्परेचर फलाने कोल्ड चेन पॉइंट पे ब्रीच हुआ है, तो उसमें एक्शन लें। दोस्तों आप देख सकते हैं, आप अपने बच्चे को लेके
जाते हैं बीसीजी का टीका लगवाने या और जो भी आपने वैक्सीनेशन करवाने जाना है, ओपीवी या MR1 या पेंटा वैक्सीन लगवाने जाते हैं, तो उसके पीछे कितना हार्डवर्क है, लोगों को पूरी सप्लाई चेन मैनेज करना, लोगों को ट्रेन करना और पूरे वैक्सीनेशन सप्लाई चेन मैनेजमेंट करना एक बहुत ही हरकुलियन टास्क है। ये कहने में सुनने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन जब आपको स्टेट लेवल पे इतनी बड़ी टास्क दे दी जाती है तो कैसे डॉक्टर अलावत उसको मैनेज करते हैं, करते रहे हैं। इसके लिए रूटीन इम्यूनाइजेशन 2 साल में इन्होंने जैसे मैनेज करी है कोविड के दौरान, उसके लिए इनको माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सुशासन दिवस पे 25 दिसंबर जो हमारे यहाँ मनाया जाता है तो उसमें इनको 2 बार सम्मानित किया गया, तो डॉक्टर अलावत उसके लिए बधाई, और उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। थैंक यू सर, ये सारा पूरी टीम का और मेहनत का ही फल था, पूरी स्टेट ने मेहनत करी कि रूटीन इम्यूनाइजेशन कोविड के दौरान भी हम उसे सस्टेन कर पाए और हमने 90% अचीव किया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, इसी की वजह से सर कि CM साहब ने सम्मानित किया। और 2021 में सर कोविड वैक्सीनेशन की जो हमारी उपलब्धियाँ थी उनको देखते हुए सम्मानित किया गया, हमने एक दिन में 6-6 लाख टीके भी सर एक दिन में लगाए हैं। कोविड वैक्सीनेशन के ऊपर आते हैं, अभी हम रूटीन इम्यूनाइजेशन की बात कर रहे थे, तो दोस्तों कोविड जो वैक्सीनेशन के बारे में डॉक्टर लावत से जानेंगे कि कैसे इन्होंने हेल्थ केयर वर्कर, जब सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर को दिया जाना था, कैसे इन्होंने उनको परसुएड किया, कैसे उनकी ट्रेनिंग करवाई, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेनिंग कराई, क्योंकि वैक्सीनेशन अलग था, फिर वैक्सीनेशन की वेस्टेज की बात आई, फिर एक स्टेज आ गई कि जब सभी लोग तैयार हो गए, लाइनें लग गई और उसके बाद हमारा वैक्सीन की क्वांटिटी थोड़ी शॉर्ट हो गई। तो डॉक्टर अलावत, कोविड का पिछले 2 साल का, 1.5 साल का, जब से वैक्सीन आया है, आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई है, आप तफसील से बताएं। सर मुश्किल समय रहा है और काफ़ी हेक्टिक था, लेकिन मोटिवेशन फैक्टर ये था कि हम बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, हमारी वजह से ही शायद पैंडेमिक यहाँ से जाएगा, जितने लोग वैक्सीनेट होंगे तो पैंडेमिक को हमेशा, यही एक ऐसा जरिया है जो कि कोविड की लहरों का रुख मोड़ सकता था, तो इसी वजह से सारे का सारा हेल्थ डिपार्टमेंट और हमारी टीम्स लगी हैं, हमने तैयारियां भी उसी हिसाब से करी कि सारे वैक्सीनेटर्स की सर ट्रेनिंग हमने स्टेट से लेके एक एक वैक्सीनेटर की ट्रेनिंग हमने खुद यहाँ से मॉनिटर करी, और कोई भी ऐसा सुपरवाइज़र या वैक्सीनेटर नहीं था या जो टीम मेंबर था जिसकी हमने ट्रेनिंग ना की। और कोविन को लेके इश्यूज़ थे कि नया सॉफ्टवेयर था, और उसमें सर UNDP ने बहुत ज़्यादा हैंड होल्डिंग करी है, हमारी UNDP में डॉक्टर अजय स्पेशली, और उन्होंने हमारे जो VCCMs थे, वैक्सीन मैनेजर्स हैं की टीम के हर जिले में एक है, उनके द्वारा रोज हम शाम को बैठ के उनकी ट्रेनिंग करते थे, अगले दिन वो जिले में ट्रेनिंग करते थे, कोई नया फीचर आता था कोविन पे तो उसको अपडेट किया जाता था, और लगातार हम इससे बने रहे। और जैसे कोविड वैक्सीनेशन लॉन्च हुआ 16 जनवरी को, उससे पहले हमने सर ट्रायल भी करे थे, ड्राई रन भी करे थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2 ड्राई रन कराए थे, लेकिन हमने 3 ड्राई रन करे अपने स्टेट में टू इंश्योर। और जिस रात सर 15 और 16 की जो रात थी, जिस दिन ये सुबह इम्प्लीमेंट होना था, और हम सुबह सर 4 बजे तक सेशंस बना रहे थे, उस पर 2:30 बजे के बाद हमारे सेशंस बनने शुरू हो गए थे, जब हर जिले में सेशन क्रिएट हुए उसके बाद सर सोए थे, और सुबह फिर हमने 9 बजे से पहले आके इनोग्रेशन का काम सारा शुरू करवाया। और हम लोग ही थे जिसमें हेल्थ केयर वर्कर्स में DG साहब थे और डायरेक्टर्स थे, जितने भी हमारे DG साहब थे, डायरेक्टर MC जो थे, मैं सब ने खुद वैक्सीनेशन करवाया, और जिलों को भी सभी में सिविल सर्जन्स ने, DIOs ने, और जो प्रोमिनेंट डॉक्टर्स थे बाकी जिलों में, उन्होंने कराया, जिससे कि बड़ी और सबके सामने जी। तो डॉक्टर अलावत ने बताया कि किस प्रकार से तैयारियां की जाती रही हैं, मैं खुद NHM में हूँ, मैंने देखा है लोगों ने इतनी मेहनत करी है हेडक्वार्टर पे, और ना सिर्फ यहाँ हरियाणा में बल्कि दिल्ली में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी लोग रात रात भर जागते रहे हैं कोविड वैक्सीनेशन को जब स्टार्टिंग हुई, उसके बाद कोविन सॉफ्टवेयर की कैसे डेवलपमेंट की शुरू से लेके इसको, बहुत सारे चेंजेस डेली आते थे इसमें, डेली लोग नई समस्याएं बताते थे, डेली उसमें चेंजेस होते थे, डेली नए लोगों को ट्रेन किया जाता था, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी को आपने वैक्सीनेट करना है, इट वाज नॉट ए स्मॉल टास्क। और उसके फिर बाद हमने यहाँ से बैठ के, डॉक्टर्स ने यहाँ पे मोटिवेट किया सबको, हमारे ACS ने इंजेक्शन लगवाया, मैंने लगवाया, हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने वॉलंटियर किया था कोवैक्सीन के ट्रायल के लिए, तो एक बहुत ही अच्छा माहौल क्रिएट किया गया था उस टाइम। एंड आई रिमेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जितने भी प्लेटफॉर्म से उसमें हरियाणा को अप्रिशिएट किया था, हर एक जगह हम नंबर 1 रहे थे। डॉक्टर अलावत
कोविड का जो वैक्सीनेशन है उसके बारे में ओवरऑल आप कैसे देखते हैं? आप 100% फर्स्ट डोज लगा चुके हैं, 90% आप सेकेंड डोज लगा चुके हैं, तो कैसे आप देखते हैं? सर, ये एक अच्छी खासी अचीवमेंट रही है हरियाणा की, क्योंकि पूरी टीम्स लगे स्टेट लेवल से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक सारी टीम्स लगी हुई थी और अदर डिपार्टमेंट्स का भी सर इसमें हेल्प ली गई। और इसके चलते सर जैसे फेजेस में हमने शुरू किया था, पहले हेल्थ केयर वर्कर्स किया, फिर आपके फ्रंटलाइन वर्कर्स थे उनको किया, फिर कोमॉर्बिडिटीज़ 45+ पॉपुलेशन और 60+ को तीसरे चरण में लिया गया था। इसके साथ ही सर जब ये सारा ओपन हो गया था तो काफ़ी चैलेंजिंग हो गया था, क्योंकि सप्लाई काफ़ी कम थी और डिमांड काफ़ी बढ़ गई थी। तो ये देखते हुए कि किस ज़िले में कितना वैक्सीन है, किसको कितनी रिक्वायरमेंट है, डेली शाम को सर हम स्टॉक मंगाते थे, उसको फिर बैठ के एनालाइज करते थे किस ज़िले में कितनी ज़रूरत है और हमारे पास कितना वैक्सीन पड़ा हुआ है स्टेट पे, अकॉर्डिंगली सर हम एलोकेशन बनाते थे। और उसके बाद हम इंटर डिस्ट्रिक्ट भी शिफ्ट करते थे और विद इन डिस्ट्रिक्ट भी हम कोल्ड चेन पॉइंट पे शिफ्ट करवा देते थे। और इसके चलते सर हमारा कभी भी स्टॉक जीरो नहीं हुआ किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, और किसी भी कोल्ड चेन पॉइंट पे हम मेंटेन कर पाए। और इसमें सर हमें बहुत ज़्यादा फाइन जिसे कहते हैं कि एडजस्टमेंट करते हुए हमने ये अचीव किया। डॉक्टर अलावत, आपने कोविड की वैक्सीनेशन के दौरान काफ़ी मैसिव ट्रेनिंग करी है, आपने एडवर्स इवेंट्स के लिए डॉक्टर्स की भी ट्रेनिंग करी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ भी आपने बड़ा अच्छा तालमेल बनाए रखा। तो जब हमारा लॉकडाउन शुरू हुआ था, जब सारे डिपार्टमेंट और सारे प्राइवेट सेक्टर के लोग अपने अपने घरों में थे, तो हेल्थ डिपार्टमेंट, NHM के और हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग जब पूरा अपना इंटीग्रिटी के साथ, पूरी अपना मेहनत के साथ, डेडिकेशन के साथ जॉब कर रहे थे, तब आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा और आपकी टीम WHO UNDP की जो टीम है और आपकी जो NHM की टीम है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सर, सारा सपोर्ट तो टीम का ही था, WHO UNDP और अपने स्टेट हेडक्वार्टर की टीम और डिस्ट्रिक्ट की टीम थी। ये हो पाया सिर्फ टीम्स की वजह से, क्योंकि लगी। और मुझे याद है सर कोविड में जब फर्स्ट लॉकडाउन था और सड़कें बिल्कुल खाली थी, लेकिन सिर्फ हमारे ऑफिस कॉम्प्लेक्स के बाहर भी अलग से हमारे ऑफिस के सामने व्हीकल्स नज़र आते थे, बाकी कहीं कुछ नज़र नहीं आता था। और इवन कि जो स्टॉल्स थे खाने पीने का, वो भी सामान नहीं मिलता था, तो सब लोग अपने घर से ही खाना बांध के लेके आते थे। उन्हें पता था रात के 7 बजे तक बैठना है, 8 बजे तक बैठना है, कई बार 9 बजे तक भी लोग बैठते थे। लेकिन अच्छी बात सर ये है कि मोटिवेटिंग रहा सबके लिए, कि सब लोग को ये था कि हम बड़ा काम कर रहे हैं और कभी किसी ने कंप्लेंट नहीं करी इस वजह से। जी, और ट्रेनिंग्स के बारे में बताएं जो आपने मैसिव ट्रेनिंग्स करी हैं लोगों की। हाँ, ट्रेनिंग्स का सर जैसे हमें भारत सरकार की तरफ से कभी ये कोई भी इशारा भी होता था कि हम ये करने जा रहे हैं, तो हम उससे पहले ही सेंसिटाइज अपने लेवल पे डिस्ट्रिक्ट्स को कर देते थे। और जैसे ही हमें PPT रिसीव होती थी भारत सरकार से, हम उसको स्टेट के मुताबिक उसमें चेंजेस करके हम ऑफिशियली करने से पहले सर हम अपने ग्रुप में उसको डाल देते थे और सारी ट्रेनिंग्स कर देते थे। फिर ACS सर के जरिए और आपके जरिए सर वो ट्रेनिंग उस हम जिलों से करवाते थे, जिसमें कई बार डिप्टी कमिश्नर्स भी शामिल हुए और सिविल सर्जन्स तो होते ही थे। फिर उस टाइम पे ऑलरेडी उनको एक ओरिएंटेशन होता था, तो समझ, क्योंकि एक चीज़ एक बार में समझ नहीं आती, तो बार बार नई चीज़ में समझाने की आवश्यकता होती है। तो जब हमारी फाइनल ट्रेनिंग हो रही होती थी तो वो हमारे DIOs के लिए एक रिपीटेशन होता था, उसमें उनकी क्वेरीज भी सेटल हो जाती। तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, कोविड के दौरान जो वैक्सीनेशन का काम है हरियाणा का, उसको कई लेवल्स पे अप्रिशिएट किया गया है और उसके सूत्रधार मैं डॉक्टर अलावत को मानता हूँ, ये हमारे स्टेट सर हैं। अब मैं आगे चलता हूँ हमारा जो अनीमिया के लिए, क्योंकि डॉक्टर अलावत उसमें भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं। अनीमिया में हरियाणा का जो नंबर है वो थोड़ा सा नीचे है, अनीमिया हमारे यहाँ ज़्यादा प्रिवेलेंट है, NFHS 5 की जो रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग भी हमारा सेम नंबर है। तो डॉक्टर अलावत, अनीमिया के बारे में बताएँ कि हरियाणा, पंजाब, दिल्ली इस रीजन में ज़्यादा क्यों है, दूसरा हम इसके लिए क्या कर रहे हैं, हमारी क्या स्ट्रेटजी है, आपने क्या गाइडलाइन डिस्ट्रिक्ट में जारी करी है और आप इसको कैसे हेडक्वार्टर पे बैठ के मॉनिटर करते हैं? सर, ये बात सच है कि अनीमिया एक बहुत बड़ा चैलेंज है हरियाणा के लिए, जो कि जो नेशनल एवरेज है उससे भी हम काफ़ी ऊपर हैं इसमें अनीमिया में। अगर हर कैटेगरी में जो नेशनल एवरेज उससे ज़्यादा अनीमिक हमारे पास हैं बेनिफिशरीज। इसके लिए सर भारत सरकार ने भी प्रोग्राम जारी किया था, लागू किया था अनीमिया मुक्त भारत के जरिए, और उससे पहले ही अटल अभियान के रूप में मुख्यमंत्री जी ने
अभियान जारी कर दिया था एनीमिया मुक्त हरियाणा का, उसको फिर हमने सर अटल अटल अभियान को और भारत का जो अनीमिया मुक्त भारत अभियान था उसको सर हमने मिक्स करते हुए हमने अपना प्रोग्राम बनाया। और स्ट्रेटेजी सर हमने वही रखी जो 6x6x6 की जो भारत सरकार ने डिवाइस की थी, जिससे कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच थी जिसके अंदर हम सब कुछ करेंगे जिससे कि अनीमिया कम हो जाए। जैसे कि सर जो IFA सप्लीमेंटेशन हम पहले से देते आए हैं उसको हम कंटिन्यू करेंगे, डीवॉर्मिंग पे जोर रखेंगे, बिहेवियर चेंज एंड कम्युनिकेशन पे हम इस पे ज़्यादा जोर देंगे जिससे कि हम आदतें बदल सकें, किस तरह का खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, और आयरन रिच फूड की क्या इम्पोर्टेंस है। फूड डाइवर्सिफिकेशन का भी है सर और फोर्टिफिकेशन पे भी था। इसके अलावा सर टेस्ट एंड ट्रीट स्ट्रैटेजी लागू करनी है, सिर्फ प्रोफाइलेक्सिस से काम नहीं चलता तो टेस्ट एंड ट्रीट का भी लागू करना है। और जो कि 50% तो सर आयरन डेफिशिएंसी ही जिम्मेदार है इसके लिए, लेकिन जो बाकी अदर कॉजेज ऑफ अनीमिया को एड्रेस करने के लिए जैसे हीमोग्लोबिनोपैथीज, थैलेसीमिया है और मलेरिया और फ्लोरोसिस जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं मलेरिया को, इन कॉजेज को भी एड्रेस करने के लिए इस स्ट्रैटेजी में जगह रखी हुई है। डॉक्टर अलावत, अनीमिया हरियाणा में इतना प्रेवेलेंट क्यों है, मतलब इस रीजन में क्यों प्रेवेलेंट है? दूसरा, जो आपने नई गाइडलाइन हरियाणा सरकार ने जारी करी है कि कोई भी पेशेंट या उनके अभिभावक हमारी किसी भी फैसिलिटी पे जाएंगे, सब सेंटर, PHC, CHC, SDH, DH, उनकी मैंडेटरी करी गई है टेस्टिंग, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सर हरियाणा प्रॉस्परस होते हुए भी ज़्यादा प्रेवलेंस है यहाँ पर अनीमिया का। उसका एक रीज़न है कि ज़्यादातर मिल्क डाइट ज़्यादा प्रिफर करते हैं और मिल्क इज़ ए पुअर सोर्स ऑफ आयरन। तो इसको देखते हुए कि आपके पास प्रॉस्परस हैं, आपका पॉकेट में पैसा है, उसके बावजूद भी आप जो गरीब हमारे नॉट सो रिच जो स्टेट्स हैं उनसे भी हम नीचे हैं अनीमिया प्रेवलेंस में। तो इसको देखते हुए सर हमें थोड़ा सा एग्रेसिव होना पड़ा इसके लिए कि हम थोड़ा एग्रेसिवली से डील करेंगे तभी हम नेशनल एवरेज से नीचे आ पाएंगे अनीमिया के लिए। और उसके लिए सर एक तो अनीमिया एलिमिनेशन वीक जो कि हम हर क्वार्टर में एक बार मनाएंगे 7 दिन के लिए, उसमें हम हर हर फैसिलिटी पे वॉलंटरी टेस्टिंग करेंगे और वहाँ से मोबिलाइज करके फील्ड से लोगों को लेके आएंगे बेनिफिशरीज को, और वहाँ पर उनका अनीमिया का टेस्ट भी करेंगे, उनको ट्रीटमेंट भी देंगे एज पर प्रोटोकॉल, और उनको बिहेवियर चेंज के लिए उनको अवेयर भी करेंगे कि आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, और डिवॉर्मिंग की क्या इम्पोर्टेंस है, हाइजीन की क्या इम्पोर्टेंस है, और फिजिकल एक्टिविटी की क्या इम्पोर्टेंस है, और फॉलो अप चेकिंग की क्या इम्पोर्टेंस है, ये सब उनको बताया जाएगा। इसके साथ साथ एक सर एक और डायरेक्शन हरियाणा के हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किए गए थे जिसमें कि OPD में जो भी पेशेंट्स आते हैं और उनके साथ में उनके अटेंडेंट्स भी आते हैं उन सब का मैंडेटरी HB टेस्टिंग, हीमोग्लोबिन टेस्टिंग मैंडेटरी किया जाए और उनको साथ में ट्रीटमेंट भी दिया जाए। तो एक अनीमिया कॉर्नर या HB टेस्टिंग कॉर्नर हर फैसिलिटी में क्रिएट किया जाए जिससे कि हम एग्रेसिवली डील कर सकें, क्योंकि 50% से ज़्यादा तो जनरल पब्लिक भी जनरल पॉपुलेशन भी एनीमिक है। तो जितने भी लोग आएंगे हॉस्पिटल में वो जो अगर बीमार हैं तो हो सके उनके एनीमिक होने के चांसेस और भी ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर वो टेस्ट भी कराएं और अपना ट्रीटमेंट भी साथ लेके जाएं। तो पॉइंट ऑफ केयर ट्रीटमेंट का से फ़ायदा भी इसलिए होता है कि पहले अगर आप वॉलेंटरी तो कोई चीज़ कराने के लिए आता नहीं पेशेंट, क्योंकि उसको कोई बीमारी मानते नहीं है मरीज अनीमिया को, अगर हम उनका वहीं टेस्ट करके उनको दवाई दे देते हैं तो वो उसका सेवन भी करेंगे और अनीमिया मुक्त भी होंगे। जी, तो दोस्तों, जैसा डॉक्टर अलावत ने बताया, अनीमिया को बीमारी नहीं मानते हैं, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इशू है। अनीमिया इज़ ए वेरी बिग डिसीज़। अगर प्रेग्नेंट लेडी को अनीमिक पाया जाता है तो उसकी प्रेगनेंसी ऑटोमेटिकली हाई रिस्क प्रेगनेंसी में कन्वर्ट हो जाती है। इसी प्रकार अगर हमारे में अनीमिया है तो हम बहुत सारे जो हमारे और जो डिसीज हैं वो हमें लग सकती हैं। तो अनीमिया इट्सेल्फ इज़ ए बिग डिसीज़। तो मैं सबसे, जो वीडियो देख रहे हैं, जब भी आपके पास समय हो, आप अपने नियरेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटी, गवर्नमेंट हेल्थ केयर फैसिलिटी में जाएँ और अपना अनीमिया HB जरूर टेस्ट कराएं। और अगर आपका सीवियरली अनीमिक में आते हैं, आपका 7 ग्राम से लेस है उसमें, तो आपको उसमें थेरापीटिक डोज लेनी है। अगर आपका उसमें जो लेस अनीमिक है तो आप उसमें प्रोफ्लेक्टिक डोज से काम चला सकते हैं, क्योंकि हमारा जो खान पान है हम वैसे ही खाते पीते हैं जैसे आयरन रिच फूड के बाद अगर हमने साग खाया या हमने हरी सब्जी खाई उसके बाद हम दूध पी लेते हैं,
हमारा खान पान ऐसा है, हमारा बिहेवियर ऐसा है जिसको हम धीरे धीरे चेंज कर पाएंगे। उसके लिए भी हमारे IEC का काम चल रहा है, हम काफ़ी इसमें डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो टेस्ट एंड ट्रीट वाली बात है डॉक्टर अलावत ने बताई, जो गाइडलाइन एक विशेष टेक्निकल कमेटी के द्वारा अप्रूव करके जारी करी गई हैं, जिसमें कि 14-15 बड़े बड़े डॉक्टर्स शामिल थे, तो वो आप ज़रूर फॉलो करें। अंत में मैं डॉक्टर अलावत से पूछना चाहूँगा, आप NQAS के भी आप एक्सटर्नल असेसर हैं, आप फैसिलिटीज़ में जाके NQAS की सर्टिफिकेशन करते हैं, तो आम जनता के लिए बताएं NQAS है क्या, NQAS क्या बोलते हैं इसको, और कैसे आप चेक करते हैं, क्या मतलब है इसका? सर, नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स हैं और ये इंश्योर करते हैं कि क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड की जाए। इसका सर जो मोटो है उस पर जो काम करते हैं कि डू नो हार्म, कि हमारे पास कोई मरीज आएगा उसका कोई नुकसान नहीं, और कि पेशेंट सेंट्रिक सर्विसेज हमें प्रोवाइड करनी है। इसमें नया सर कुछ भी नहीं है, जो हमने MBBS के दौरान पढ़ा है या नर्सिस ने नर्सिंग के दौरान पढ़ा है या LT ने अपनी ट्रेनिंग के दौरान पढ़ा है, किस तरीके से हमें सर्विसेज देनी चाहिए कायदे से, वही इम्प्लीमेंट कराना है उसमें, कि जिसमें साफ सफाई है। अगर मैं चाहूँ कि मैं सरकारी अस्पताल में जाऊँ या प्राइवेट में जाऊँ, मेरे को ऐसी सर्विस मिलनी चाहिए, मरीज के नज़रिए से सर्विस है, क्योंकि इसमें से इंडिकेटर्स भी वही रखे गए हैं लास्ट में कि आपने कितना काम किया, जिसमें प्रोडक्टिविटी इंडिकेटर्स हैं, कितना काम किया आपने, कैसा काम किया, एफिशिएंसी इंडिकेटर्स हैं इसमें, फिर आउटकम इंडिकेटर्स हैं कि कितना किया, फिर आपका पेशेंट सेटिस्फेक्शन भी इसके अंदर शामिल है कि हम पेशेंट सेटिस्फेक्शन चेक करते हैं कि आपके कि आपको कैसी सर्विसेज मिली। उसमें हर एक चीज़ शामिल है कि राइट फ्रॉम द एंट्री, कि वेटिंग टाइम आपको ज़्यादा तो नहीं था, डॉक्टर का बिहेवियर, स्टाफ का बिहेवियर कैसा था, एमिनिटीज़ कैसी थी, वेटिंग स्पेस था, आपको प्राइवेसी प्रोवाइड करी गई या नहीं करी गई, आपके राइट्स प्रोटेक्टेड थे या नहीं थे, आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं किया गया अदर देन जो नॉमिनल अगर गवर्नमेंट की तरफ से है, तो यही सारे कि आपको दवाइयाँ पूरी मिली नहीं मिली, और किस तरह का आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था, साफ सफाई इंक्लूडिंग टॉयलेट्स वॉशरूम सीट की थी या नहीं थी, वार्ड्स की लेलिन सब कुछ सर इसमें शामिल है। बहुत एग्जॉस्टिव चेकलिस्ट है, अगर देखते हैं तो हर चीज़ इसमें शामिल है। अगर मरीज को वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो सेटिस्फेक्शन स्कोर डेफिनेटली हाई हो जाता है। 80% से नीचे सेटिस्फेक्शन स्कोर हम एक्सेप्ट नहीं करते सर इन पास। जी, तो डॉक्टर अलावत ने आज हमें बहुत सारी जानकारियाँ दी सरकारी सिस्टम के बारे में, जो लोग नहीं जानते हैं, जिन लोगों को लगता है कि आप इंजेक्शन लगवाने जा रहे हैं कोविड का या नॉर्मल इम्यूनाइजेशन करने जा रहे हैं या इनिशियली टेस्ट करवाने जा रहे हैं, तो उसको बैकग्राउंड में जो काम करना पड़ता है, मैंने काफ़ी टाइम से ऑब्जर्व किया है। जब लॉकडाउन में डॉक्टर लावत ने बताया कोई भी डिपार्टमेंट या कोई प्राइवेट सेक्टर सारे क्लोज थे, तो हेल्थ डिपार्टमेंट के हमारे लोग NHM ऑफिस में, DG ऑफिस में, हमारे नीचे CMO ऑफिसिस में सारे हमारे लैब टेक्नीशियन, हमारे वैक्सीनेटर रात रात भर जाकर काम करते रहे हैं। मैंने अपने ऑफिस में तो खुद देखा है लोगों को रात रात भर जागते हुए। तो डॉक्टर लावत, मेरे को इनकी वर्किंग पसंद आई तो मैंने इनको रिक्वेस्ट करी कि आप हमारे लोगों को मोटिवेट करें। डॉक्टर लावत, आप हमारे लोगों को और आम जनता को और क्या मैसेज देना चाहेंगे, आपका क्या मैसेज? सर, मैं वही देना चाहूँगा जो मेरे फादर ने, जब मैं ज्वाइन किया था जॉब, तो उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट जॉब में आप जा रहे हो और अच्छी तरीके से काम करना है, क्योंकि जो भी एक्सपेक्टेशन है लोगों की ज़्यादा होती हैं, और उसमें ये था कि अगर आप ईमानदारी से काम करते हो, आपको नॉलेज है और आपका बिहेवियर ठीक है, तो डरने की कोई बात नहीं, आप आराम से काम कर सकते हो। यही मैसेज मैं सर अपने जूनियर्स को देना चाहूँगा और अपने कलीग्स को और जितने एम्प्लॉयज़ हैं, कि अपनी स्किल्स अपडेटेड रखें हमेशा, बिहेवियर को ठीक रखें और ईमानदारी से काम करें, मुश्किलें कम आएंगी। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं डॉक्टर अलावत का हमें समय देने के लिए, और आप सबसे भी आग्रह करूँगा, डॉक्टर अलावत ने जैसा बताया, आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आप अपनी स्किल्स को अपडेट करते रहें और अपने साथ साथ पढ़ाई भी करते रहें जो भी आप काम कर रहे हैं। और इसके अलावा जो आप फैसिलिटीज़ देखते हैं हमारे गवर्नमेंट में, तो उसके बैकबोन कोई ना कोई ज़रूर होता है। तो मैं डॉक्टर अलावत को इसलिए बधाई देता हूँ, उन्होंने बड़े अच्छे से कोविड में अपनी रूटीन इम्यूनाइजेशन को प्रभावित नहीं होने दिया। अनीमिया के ऊपर भी काफ़ी काम हरियाणा कर रहा है, आगे भी करता रहेगा। हम कोशिश करेंगे हम अपनी स्टेट को अनीमिया में भी, जैसे बाकी हमारे जो सारे पैरामीटर अच्छे हैं, अनीमिया के भी हमारे पैरामीटर बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अप्रिशिएट करे। डॉक्टर अलावत का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आगे भी मैं आपकी अच्छी और महान शख्सियतों के साथ मुलाकात करवाता रहूँगा, बने रहिए चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू डॉक्टर अलावत, नमस्कार।